फिल्म जर्सी के दौरान शाहिद कपूर को क्यों लगाए गए थे 25 टाके? लोग इस टिकटॉकर को हमेशा भला बुरा क्यों कहते हैं और ये रातों रात कैसे बन गई थी स्टार? KGF स्टार यश ने कैसे बॉलीवुड के इस बड़े स्टार को दिखाई उसकी असली औकात? फैक्ट्री में रॉयल स्टैग दारू कैसे बनती है और वोल्केनियन इरप्शन स्पेस से कैसा दिखता है? फैक्ट नंबर 1। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जर्सी शाहिद कपूर के फैंस को काफी पसंद आ रही है। इस फिल्म के लिए शाहिद ने काफी मेहनत भी की है और शूटिंग के दौरान उन्हें गहरी चोट भी लगी थी। फिल्म के सीन की शूटिंग के दौरान 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद शाहिद के चेहरे पर आकर लगी, जिसकी वजह से उन्हें 25 से भी ज्यादा टाके आए। इस फिल्म में शाहिद के साथ मृणाल ठाकुर नजर आ रही हैं। ये फिल्म भी 2019 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म जर्सी का रीमेक वर्जन है। अरे भाई, बॉलीवुड वाले ना जाने कब साउथ की फिल्मों को कॉपी करना बंद करेंगे। वैसे तो ये फिल्म 2020 में रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये 2 साल बाद बड़े पर्दे पर रिलीज हो पाई है। फैक्ट नंबर 2। इस साल बड़े पर्दे पर सिर्फ साउथ इंडियन फिल्मों का क्रेज देखने को मिल रहा है। पहले पुष्पा, फिर RRR और अब KGF चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस बात से सिनेमा घर के मालिक भी काफी खुश है। सलमान खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सवाल किया था कि बॉलीवुड की फिल्में साउथ इंडिया में क्यों नहीं चलती। इस सवाल का जवाब सुपरस्टार यश ने दिया और कहा कि साउथ इंडियन फिल्मों के साथ भी पहले ऐसा ही होता था। उनकी फिल्मों को लोग सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को डबिंग समझ में आने लगी, उन्हें फिल्म का कंटेंट, स्क्रीन प्ले और एक्सप्रेशंस अच्छे लगे। ये रातों रात नहीं हुआ, इसमें काफी लंबा समय लगा। उन्होंने सलमान खान पर तंज कसते हुए कहा कि साउथ में भी बॉलीवुड की फिल्में पसंद की जाती है, लेकिन सलमान खान की फिल्म में कोई कंटेंट नहीं होता, इसीलिए उनकी फिल्म कोई नहीं देखना चाहता। इस तरह से यश ने बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को करारा जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी। नंबर 3। सोशल मीडिया किसी को भी रातों रात स्टार बना देता है और कुछ ऐसा ही हुआ था गीमा आशी के साथ भी। गीमा आशी का असली नाम गरिमा चौरसिया है। गरिमा ने पहले मजे मजे में टिकटॉक पर वीडियो बनानी शुरू की, लेकिन एक दिन उनकी वीडियो बहुत वायरल हो गई। उनकी वीडियो MV मचाएंगे सॉन्ग पर थी। इसके बाद गरिमा को कई एल्बम, मॉडलिंग और फोटोशूट के ऑफर मिलने लगे। आज गरिमा के इंस्टाग्राम पर 14 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। गरिमा की सभी वीडियोस पर लाखों व्यूज आते हैं। उनका अंदाज, उनकी एक्टिंग सब कुछ बेहतरीन है। हालांकि कुछ लोग गरिमा की वीडियोस को हेट भी करते हैं, लेकिन गरिमा को ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस अपने फैंस को खुश करने के लिए नई नई वीडियोस पोस्ट करती है। गीमा जल्द ही बॉलीवुड में भी एंट्री कर सकती है, जो उनका एक बचपन का सपना था। नंबर 4। दोस्तों, एक छोटी सी चीज जिसकी कीमत मात्र 100 रुपए से शुरू होती है, उसके बावजूद ये भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करती है, वो चीज है शराब। जी हाँ, शराब। अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक भारत ने सिर्फ शराब बेचकर 30,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। महामारी के वक्त भी लोगों ने इसे नहीं छोड़ा। लेकिन क्या आपको पता है कि इसे कैसे बनाया जाता है? इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है जिसे पीकर लोग मदहोश हो जाते हैं? आइए शराब की सबसे बड़ी ब्रांड रॉयल स्टैग में आपको लेके चलते हैं। रॉयल स्टैग की शुरुआत 1995 में हुई। इसके फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुड़गांव, कोलकाता, दमन जैसे स्टेट्स में बना हुआ है। इस विस्की को बनाने के लिए गेहूं, जौ और मक्के का इस्तेमाल किया जाता है। खेतों से हार्वेस्ट होके ये अनाज फैक्ट्री पहुंचता है। यहां आकर सभी अनाजों को पानी में भिगोकर रख दिया जाता है और करीब 24 घंटे पानी में भिगोए रखने के बाद इस अनाज को बाहर सूखने के लिए रख दिया जाता है। जहां माल्टिंग प्रोसेस होती है, इसमें अनाज के ऊपर धुआं छोड़ा जाता है, जिसे अनाज सोख लेता है और उसमें से खुशबू आने लगती है, जिसके बाद अनाज को सड़ने के लिए डाल दिया जाता है। इसमें यीस्ट मिलाकर इसको सड़ने की प्रोसेस शुरू होती है। सड़ने के बाद इसमें से अल्कोहल की खुशबू आने लगती है। पर जैसा हमेशा कहा जाता है, शराब जितनी पुरानी होती है उतनी ही अच्छी होती है। इसीलिए शराब को 3 साल तक स्टोर करके रख दिया जाता है, जिसके बाद इसकी पैकेजिंग शुरू होती है। दोस्तों, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नंबर 5। जब भी एक वोल्केनिक इरप्शन होता है, यानी कि जब भी ज्वालामुखी फूटता है, तो आसपास की चीजें हिलने लगती है और कई बार ज्वालामुखी फूटने से भूकंप भी आ सकते हैं। आज तक आप में से बहुत ही ज्यादा कम लोगों ने ज्वालामुखी को सच में फूटते हुए देखा होगा। वीडियोस में तो हम कई बार देखते हैं, लेकिन इसे लाइव देखना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ है एक ज्वालामुखी को स्पेस से फटते हुए देखना। जरा देखिए ये कितना ज्यादा कमाल का दिखता है। ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद उसका जो गैस होता है वो आकाश में कई किलोमीटर तक ऊपर जाता है, जिसकी वजह से वो स्पेस से भी बिल्कुल साफ दिखता है। और ये गैस बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही आराम से मूव करता है।